दोस्तों एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने अपने सुसाइड करने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो अपलोड की थी, जिसके अंदर उन्होंने एक नीचे नोट लिखा था। मतलब कि तुनिशा शर्मा ने अपनी फोटो के नीचे एक ऐसी लाइन लिखी थी जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तुनिशा शर्मा ने ये फोटो अपलोड करते हुए इसके नीचे एक लाइन लिखी थी, दोज हु आर ड्राइवन बाय देयर पैशन डजंट स्टॉप। यानी कि दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि जो अपने मेहनत और अपने पैशन की वजह से ऊपर आते हैं वे कभी भी नहीं रुकते हैं। और यही आखिरी लाइन है जो तुनिशा शर्मा ने अपने फैंस लोगों से शेयर की थी फोटो डालकर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फोटो के अंदर तुनिशा शर्मा बहुत ज्यादा मोटिवेट लग रही है। और तुनिशा ने फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी कि जो अपने मेहनत और अपने पैशन के दम पर आते हैं वे कभी रुकते नहीं है। पर दोस्तों इसी बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जो इंसान दूसरों को मोटिवेट कर रहा हो आखिर वह कैसे सुसाइड कर सकता है। और वैसे देखा जाए तो तुनिशा शर्मा भी एक अच्छी कलाकार थी और तुनिशा ने छोटे पर्दे से लेकर शुरुआत करके बाद में बड़े पर्दे तक और फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। और 20 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ये लाइन लिखने के बाद में मुंबई में खुद के ही शूटिंग सेटअप के ऊपर मेकअप रूम में सुसाइड कर लिया। फिलहाल दोस्तों तुनिशा को लेकर अभी तक कोई पुष्टि हुई नहीं है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि तुनिशा शर्मा ने जो किया वह सुसाइड था या फिर वह किसी साजिश का शिकार हो गई। आपकी तुनिशा को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और तुनिशा के लिए मिस यू लिखें।